हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अब गर्मियाँ होने लगी हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो अब हमारे इन सर्दियों के प्लांट्स जो हैं, हमारे सर्दियों के जो फ्लावर्स हैं, विशेष रूप से जो सीजनल फ्लावर्स हैं, उनके जाने का टाइम होने लगा है। कुछ समय ये भी और फूलेंगे और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे, अब अभी धूप में जो रखे हुए हैं, तेज़ धूप में उनके कारण वो कुमलाने लगते हैं, ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, उनकी पत्तियां बर्न होने लगी हैं। तो अब जो सीजनल प्लांट्स हैं हमारे, जो सर्दियों के, उन सीजनल प्लांट्स को अब हम सेव करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो चूंकि ये हमारे विंटर के सीजनल प्लांट्स हैं, तो इनको हमें अब गर्मियों में कैसे सेव करना, हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी सारी प्रक्रिया घूमती है वो एक इसी पॉइंट पे घूमती है कि हम इन्हें कैसे कुछ कुछ ठंडा वाला माहौल दें। चूँकि विंटर के प्लांट्स हैं तो अब हमें इनको सेव करना है अगले सीज़न के लिए। जैसे ये हमारा डायंथस है, ये धूप में रखा हुआ था, मैं उसको उठा के यहाँ छाँव में ले आई, अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगा। और दूसरे, पहले तो एकदम फ्लावर निकलता था और एकदम बर्न कर जाता था, अब देखिए इसको हमने शेड में रखा है ठंडी जगह पे, तो अच्छे से फ्लावर कर रहा था। अभी कुछ समय तो ये फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट स्ट्रोक होता जाएगा, वैसे वैसे ये जाने की स्टेज पर हो जाएंगे। तो उससे पहले ही हमें क्या करना है, क्या टिप्स अपनानी है जो हम इन्हें सेव कर लें। पहली चीज़ तो वही बात हमने कहा ना कि ठंडक इनको देनी है, तो हम ऐसी जगह इनको प्लेस करें जहां हमारे गार्डन में ठंडक रहती हो, जैसे हमारे पेड़ की छाया है। और जो और विशेष रूप से इनके जो प्लांट्स हैं, वो आप इस तरीके की कच्ची ज़मीन पर रख दें। ये जो हमने इधर का साइड मेरा, यहाँ हम इन्हीं सर्दियों वाले प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं गर्मियों में सेव करने के लिए। यहाँ हमारे धूप भी नहीं आती और इसकी छनती हुई थोड़ी बहुत देर के लिए सुबह की धूप रहती है और फिर चली जाती है, तो हमारे प्लांट्स यहाँ पे सेव हो जाते हैं। इसलिए देखिए, हमने जितने कोलियस वगैरह थे वो सब हमने यहीं रख लिए। तो अब हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम बचा सकते हैं, जैसे डायंथस है, हमारा बिगोनिया है, कैलेंचो है, इस तरीके के हमारे कई सारे, हमारे गजानिया है, बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं जो हमारे पेरिनियल बन सकते हैं कि हम थोड़ी सी उनकी देख रेख करें। तो सबसे पहली चीज़ तो अब इनको सबको उठा करके आप शेडी एरिया में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ थोड़ी ठंडक रहती हो। दूसरी चीज़, देखिए हम लोग सर्दियों में तो किसी भी तरह के पॉट में लगा लेते हैं इनको, सिरेमिक में, प्लास्टिक में, सीमेंट के में, लेकिन अब आप कोशिश करिए कि यदि आपने इस तरीके के प्लांट्स लगा रखे हैं तो आप इन्हें, यदि टूटे फूटे आपके गमले कोई मिट्टी के पड़े, मिट्टी के गमलों में आप शिफ्ट कर दीजिए इनको। मिट्टी में थोड़े ठंडक भी रहती है, इनकी जड़ों को ठंडक मिलती है और ये अच्छे से चलेंगे। मैं भी अभी ये सब काम करूँगी, मैं आपको बता दे रही हूँ, जो मेरे मिट्टी के पुराने गमले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, उनमें थोड़ी सी मिट्टी सिंपल डाल के, और इनकी जो रूट बॉल है बिल्कुल वैसी की वैसी ही निकाल के रख दीजिएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और थोड़ी सी मिट्टी डालिएगा, फिर इनको शिफ्ट कर दीजिएगा, पानी डाल के इनको शेडी एरिया में रख दीजिएगा। जितने पुराने फ्लावर्स होते हैं ना, उनको आप निकालते जाइए, जो सूख गए उनको बीज निकालना हो उसके लिए निकाल लीजिए। दूसरी चीज़, आप इनका ड्रेनेज होल ज़रूर देखिएगा, पानी एकदम रुकने ना पाए इनमें, पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है इनको, पानी इनकी मिट्टी ना सूखने पाए, थोड़ा सा इन पर ज़्यादा पानी भी ना होने पाए, पानी का आप ध्यान रखेंगे गर्मियों, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी गर्मियों में देते हैं, लेकिन इनकी जड़ें पानी से गल सकती हैं, फंगस प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा रुक गया पानी तो आप पानी दें तो फिर निकल जाए नीचे से, ज़्यादा पानी रुके ना। अब हम सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, फर्टिलाइज़र पे। हमें इन्हें क्या फर्टिलाइज़र देना है, देखिए आप, हमें इन प्लांट्स को अगले सीज़न तक एक तरह से ज़िंदा ही रखना है, बहुत हमें इनसे फ्लावर्स तो लेने नहीं है, तो इन्हें करीब 20-25 दिन में एक बार बहुत पतला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो मैं देती हूँ, मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ, बहुत पतला करके डाइल्यूट ज़्यादा कर दीजिए और वही दीजिए आप इनको, बस इनकी पत्तियाँ हरी भरी बनी रहें, बस इतना ही हमें इनके इनको सेव करने के लिए करना है, और बस, और इन्हें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और गर्मियों और बरसात में इन पे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, उसके लिए बीच बीच में ऑर्गेनिक कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहें, नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहें, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और अगले साल हमें
फ्लावरिंग देने के लिए ये बचा रहेगा। यही हमें सब कोशिश करनी है फ्रेंड्स, और इनको बचाने से हमें एक फ़ायदा है, ये हमारे नेक्स्ट सीजन में जल्दी फ्लावरिंग करने लगेंगे। और पुराने प्लांट्स तो विशेष रूप से अच्छी फ्लावरिंग देते हैं बजाय नए प्लांट्स लगाने के। दूसरे हमें पता है ये किस कलर्स के हैं, इनकी कटिंग से हम और नए नए प्लांट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए डहेलिया के बल्ब आप सेव करके रख लें, जब ये फ्लावर्स निकल जाए तब तो उनके डहेलिया के बल्ब, या तो आपके वैसी जगह है जहाँ पानी यानी ख़राब ना होने चांस, तो पड़े रहने दें, नहीं निकाल के कहीं मिट्टी में गाड़ दीजिए, तो फिर ये अगले साल आपके लिए फ्लावरिंग देंगे। तो यही कुछ थोड़े से ध्यान रखने बातें हैं। देखिए हमारे लिली में फ्लावर्स खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं लिली प्लांट्स के। ये हमारी तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।